आपने आना होने सेट घूमने तो भैया शाम के टाइम आना, शाम के टाइम का नजारा बहुत सुंदर है यहाँ पे। ओ भाई चलो। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत हो रही है 3:08 पे, अभी टाइम 3:08 हो रहा है और बस अभी निकल रहा हूँ बिल्कुल रेडी होके बाबा पीर निगाह दरबार पे। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं जाऊंगा पीर निगाह बाबा दरबार पे, तो हाँ जी अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ से बस निकल रहा हूँ और आगे से अपना भाई ले आएगा ब्रो। तो एक भाई मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं जो कि आम के रहने वाले हैं, डोमिनर वाले, आपने देखा होगा पहले वाले ब्लॉग में मेरे, तो वो भी आ रहे हैं, वो उन्ना में पहुँच गए हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं कब से, बस अपने को बाइक स्टार्ट करनी है, निकलना है यहाँ से। ओहो चाबी तो ऊपर ही रह गई रूम पे। नमू है चाबी दे बाइक दी। तो गाड़ी लगी हमारी कोल स्टार्ट पे बड़े दिनों के बाद। वैसे तो गर्मी हो रखी है भाई ऊना में, आज मैंने चेक करा तो भाई आज ऊना में जो टेम्परेचर है दोस्तों वो है 35 डिग्री, राइट नाउ 35 डिग्री सेल्सियस भाई। और ऊपर से मैंने ये पहन ली डेनिम जैकेट, पर यार ये तो पहननी पड़ेगी ना बाइक पे। आपको बताइए कि बाइक पे चलना है तो ढक के चलना चाहिए हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, क्योंकि आपको पता ही है बाइक इज़ द रिस्की गेम। और एक भाई मेरे को ज्वाइन करने वाले हैं जो कि आम के रहने वाले हैं, उनका मेरे को थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि भैया मैं आने वाला हूँ तो आप कितने बजे तक निकलोगे। मैंने कहा भाई 3 बजे तक निकलेंगे, बट अभी टाइम हो रहा है 3:30, आम लेट। तो वो खड़े हैं आगे रेड लाइट पे, तो वहाँ से वो मुझे ज्वाइन करेंगे। आपने देखो ना वो एक डोमिनार पे आते हैं एक भाई आम वाली साइड से, जो आम के देख रहे हैं इस ब्लॉग को वो जानते ही उन्हें, तो वो आ रहे हैं। बस हम पहुँच ही गए रेड लाइट पे। क्या बात यार, ऐसे मज़ा आ रहा है यार बड़े दिनों बाद चलने का। वो खड़ा है सामने, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। अरे यार मैं लेट हो गया। हाँ जी कैमरा है? हाँ जी कैमरा है ये। लाइव लोकेशन में जा रहे हैं। हाँ हाँ और नमस्कार जी, ठीक अच्छा जी अच्छा जी, बड़ा धन्यवाद जी आपका, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपको। बस जी बस, कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं भाई। कितनी देर होगी आपको? कितनी देर, आधा घंटा हो गया ना, तुमने मैं साइड लगाता हूँ भाई ना। भाई बड़ी गर्मी हो रही है, मैं आते पहन ले ऊपर से डेनिम जैकेट। हाँ 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 मेरे को मैसेज आया सडनली कि भाई मैंने भी जाना है, मैं कहा चलो ठीक है दोनों चलते हैं फिर, क्यों ना है ना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे भाई है ऊना वाले। नमस्ते जी नमस्ते। और जी बड़ी बढ़िया जी, बढ़िया आपकी बहुत बड़ी लगी मैंने आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने आपको फॉलो भी किया। अच्छा जी थैंक यू, बड़ा धन्यवाद आपका। ठीक है जी, तेल डलवाना था मेरे को बाइक पे, तो चलो 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 लंबी लाइन लगी हुई है पेट्रोल पंप पे, तो अपना वापसी में डलवाते हैं तेल यहाँ से 7 किलोमीटर नीचे को। और भैया कह रहे थे कि इस रोड पे ट्रैफिक बहुत रहती है, सो आप ध्यान से चलना। मैं क्या ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों थाना कला पीरनिगाह भीड़ू लठियाणी सीधा, लठियाणी के लिए सीधा है यहाँ से। तो ये आगे वो फाटक दोस्तों जहाँ पर मैंने पहले आके ब्लॉग शूट करा था यहाँ पर, फिर मैंने आपसे कहा था कि अगला प्लान बनेगा मेरा पीर निगाह जाने का, तो वो मैंने यहाँ पे शूट करा था। और इस साइड चला गया आपका रेलवे फाटक, रेलवे स्टेशन सॉरी। और भाई ये फ्लाईओवर नहीं, तो हम पहुँच गए हैं मदनपुर। और अब डाउन 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 ऊना में रहता हूँ, बिलासपुर का रहने वाला हूँ। हाँ जी हाँ जी अक्षय प्राशर भाई, ठीक है। और क्या हाल है? हाँ जी ब्लॉगिंग हो रही है अभी। हेलो करना एक बार यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मन्नत खन्ना। अच्छा बस जी बढ़िया बढ़िया। रोड बहुत ही प्यारा है यार, ये देखिए चढ़ाई भी है डाउन मोड, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे चलने का। और इस टाइम ट्रैफिक भी कम है तो सही लग रहा है। और अभी यहाँ से 2 किलोमीटर का रह गया पीरनी का। जय हो जय हो। तो अपने को बाइक यहीं पे लगानी पड़ेगी, वहाँ लगाते हैं सामने। देखिए जी क्या बात है यार,
पहली बार आया मैं यार, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। पीर निगाह मंदिर दोस्तों हिमाचल का एक लौता मंदिर है जहाँ पे आप सभी देवी देवताओं के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के अंदर और अब करते हैं दर्शन लगदाता पीर जी के। तो चलते हैं अंदर। जयकारा लगदाता पीर दा बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों यहाँ पे जो कोई भी आता है मन्नत मांगता है, कहते हैं कि उन्हें उनकी मन्नत यहाँ पे जरूर पूरी होती है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 पांडवों की यहाँ पे प्रतिमाएं बनाई गई हैं और ये है दीपक और ये अभी हम पहुँच गए हैं लगदाता पीर जी की दरगाह पे। जय बाबा जी। और देखिए अब दोस्तों हनुमान जी की प्रतिमा और ये देखिए यहाँ पे भोलेनाथ जी, बाबा बालकनाथ जी, गणेश और जो कोई भी यहाँ पे आके मन्नत मांगता है कहा जाता है कि उसकी मन्नत यहाँ पे ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ पे दोस्तों मेले भी लगते हैं, कहा जाता है कि मेलों का टाइम यहाँ पे बहुत रश रहता है। आप देख सकते हो कि मेले नहीं है तब भी यहाँ पे कितना रश है। गाइस टाइम 5:30 हो गया और अभी हम आ गए हैं मंदिर से बाहर। यार क्या बात है भाई, बढ़िया दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया यहाँ पे। और हमारे भाई भी यहाँ पे द मोटो ब्लॉगर है और ये भी ब्लॉग करते हैं ये, और इनका यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी है। ये इंस्टा आईडी है बताऊँ आपको मैं तो, यहाँ पे इनका ये यूट्यूब है। ठीक है भैया, अपने को यहाँ से जाना दोस्तों जहाँ पे मैं पहले गया था ना, वो हरोली का ब्रिज है जो, तो वो देखने जाना अभी अपने को यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहीं जा रहे हैं। क्योंकि उस दिन क्या था कि उस दिन रात को पहुँचा था वहाँ पे तो ढंग से दिखा नहीं पाया था आपको, सो अभी मैं हरोली जा रहा हूँ। ठीक है तो चलते हैं यहाँ से। चलिए भाई चलो चलो। स्कूटरी बहुत क्लोज लगा दी मेरी बाइक के, इसको यहाँ से खींचता हूँ। चलो 2023 मॉडल है डोमिनार। तो पहले क्या रहता था डोमिनार में कि जैसे यहाँ पे लगे हैंड गार्ड्स, ये बाइजर बड़ा सा और ये देखिए आप प्रोटेक्शन, तो ये सब नहीं होता था पहले। पहले सिंपल यहाँ पे गार्ड सा रहता था, मैंने देखी है पहले वाली, और ये भी नहीं होता था उसमें ना। और ये देखिए यहाँ पे ये बढ़िया बैग लगाने को बढ़िया, यहाँ पे ये भी यहाँ पे लग रखा है जो गार्ड बढ़िया। और अच्छी बात ये है कि ये देखिए यार यहाँ पे ये प्लेट लगी है ना, यहाँ पे मेटल की प्लेट लगी है, जैसे पत्थर पुत्थर आते कई बार तो यहाँ पे टच कर सकते हैं। और ये चीज़ मेरी वाली में नहीं है यार, मेरी वाली में ये चीज़ मिसिंग है। तो ये है कि ये प्रॉपर टूरर बाइक है यार, बस हाँ थोड़ी हैवी है बाइक के हिसाब से, बाइक के हिसाब से हैवी है भाई, अभी थोड़ा कमज़ोर लग रहा है इस पर खा पी कर भाई। तो यहीं कहीं से कटता है रास्ता हरोली यहाँ से 6 किलोमीटर है और ऊना 2, तो यहीं से कटता है यार रास्ता, अपनी कहाँ से कटता है अब यहाँ से, आई थिंक वो सामने वाला है भाई जी, जड़ा पूरा बड्डा जो आओ इस साइड है, जड़ा बड्डा पूरा इस साइड। ठीक है थैंक यू। तो सामने जाना है अपने को। और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भी हैं भाई, हेलो कर देना क्या बात है यार, दिल खुश हो गया। अब कहाँ के इतने तो ही है। ठीक है क्या बात है भाई, सनसेट का टाइम का ना व्यू बहुत सुंदर आ रहा है इस टाइम, ये देखिए। उस दिन मैं आपको ढंग से नहीं दिखा पाया बिकॉज रात का टाइम था, बट ऐसा कि रात के टाइम का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है यहाँ पे। उस टाइम क्या है कि उस टाइम जितने भी आपको ये लाइट्स दिख रही ना ऊपर, ये सारी सोलर लाइट्स हैं, फिर ये ऑन हो जाती हैं तो उससे क्या कि व्यू बहुत सुंदर आता है, आगे तक लाइट्स ही लाइट्स दिखती हैं यहाँ पे। ये देखिए भाई कचरा बहुत है इसमें, पर ये देखिए यह है सुवान नदी, SWAN सुवान। और ये कुछ नज़ारा यहाँ का, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा यार। तो मेरा सजेशन है आपको, अगर आपने आना हो ना सेट घूमने तो भैया शाम के टाइम आना, शाम के टाइम का नज़ारा बहुत सुंदर है यहाँ। देखिए भाई डिफेंडर ले रखे हैं यहाँ पे ऊना में, आई थिंक 2 डिफेंडर हैं और रूबीकॉन भी देखी थी मैंने ऊना में। 773 मीटर इसकी लंबाई है। और देखिए इस साइड ये फुटपाथ चलने को, हरोली वालों को जैसे रामपुर आना हो तो इस साइड जाना हो तो काफ़ी ईजी हो गया अब। वैसे इस जगह पे मज़ा आएगा ड्रोन उड़ाने का, ड्रोन तो है नहीं मेरे पास बट ये ड्रोन उड़ाने लायक बढ़िया जगह है, बढ़िया लोकेशन है ये, यहाँ पे भाई कितना तगड़ा शॉट आएगा। तो चलो कोई नहीं, करो आप कृपा थोड़ी सी, ले लेंगे ड्रोन भी। मारो भाई थ्रॉटल मारना। टोटल रनिंग कितनी है इसकी, 6581 सी, यानी कि अभी गाइस ये 6500 चली है। और भाई ने ज़्यादातर ये लॉन्ग राइड पे चलाई है ना,
अभी रिसेंटली धर्मशाला जाके आए। फिर हम पुल पे जा रहे हैं आगे तक और एक राउंड लेके आएंगे वहाँ से हल्का सा, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से रूम की तरफ। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस ब्लॉग को देख रहे हो अगर आप फेसबुक पेज पे तो फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको बताएं इस ब्लॉग के बारे में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे अपडेट्स देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ जो भी मेरा अपडेट रहता है वो रहता है मेरा इंस्टाग्राम पे, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तुम्हारा थोड़ा सा खींचा भाई, मजा आ गया। पर मारता नहीं हूँ मैं, खींचा खूंचा इसको यार, ये ना फिर अब देखा अपने टायर भाई एकदम हवा में आ गया इसका भी। ठीक है, हाँ ठीक है, जय श्री राम। चलो जी चले, ठीक लग रही हूँ बाइक, चमकगी बढ़िया लग रही हूँ ना, हेलीकॉप्टर उड़ने वाला ना है ना, वाह। चलो ठीक है अंकल जी, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, दोबारा फिर लगाना चक्कर आऊँगा। ठीक है, तो इनकी यहाँ पे शॉप्स हैं, ये जैगुआर डिस्प्ले आई थिंक यहाँ पे इनकी शॉप्स हैं ये। यहाँ पे रुका था मैं दो मिनट के लिए, मैं कह रहा पानी पुनी पी लूँ फिर चलते हैं यहाँ से। क्या बात है, सब्सक्राइबर HP 89।